स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में चोरी की वारदातें बेहद बढ़ चुकी है। यहां लोगों को हर पल एक ही चिंता सता रही है कि ना जाने कब उनके खून पसीने की कमाई पर चोर सेंधमारी कर ले। हालांकि लोगों ने घरों दुकानों में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाए हैं, बावजूद इसके चोरों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही सीसीटीवी कैमरा में कैद होने का। यहां चोर दिन या रात किसी भी वक्त चोरी की वारदातों को अंजाम देने से बिल्कुल नहीं कतरा रहे। चोरी की पहली घटना थाना 19 क्षेत्र की है, जहां घर के पीछे खड़ी गाड़ी का दिन दहाड़े शीशा तोड़कर उसमें से दो कैमरे और कंप्यूटर LCD लेकर चोर फरार हो गए। पुलिस को इस चोरी की घटना की शिकायत दी गई है, इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा गया है। ये वारदात 21 अगस्त दोपहर 2:10 की है। मेरी गाड़ी का शीशा थोड़ा 19 के सामने 27 सेक्टर में, और इससे वीडियो कैमरा स्टिल 3300 नंबर निकॉन का और CPU चोरी हो गया। अब पुलिस के पास हमने रिपोर्ट दिखाई, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, बस यही कहा कि आपको मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा तो हम दे देंगे, बस यही कहा गया। आपका बस हमारा पुलिस वाले कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से, हमने उनको भी कहा लेकिन वो हमारा कोई सहयोग नहीं हो रहा। एक्चुअल में ये हो रहा है कि हिमाचल की गाड़ी देख के ये सोच रहे हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इस तरह से चोरों का हौसला बुलंद हो रहा है, बस यही कहना है हमारा, और प्रेस वाले भी आ नहीं रहे हमारे पास। दूसरी चोरी का मामला थाना 39 क्षेत्र का है, जहां सेक्टर 56 में घर का ताला तोड़कर घर से दो मोबाइल फोन और चांदी की पायल चुराई गई है। चोरी करने के बाद आते और जाते हुए युवक की तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। ये चोरी की वारदात सेक्टर 56 में रात 8 बजे की है। शिकायतकर्ताओं को शक है कि सीसीटीवी में कैद हुआ युवक ही चोर है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस चोर को पकड़ने के लिए छापेमारी भी कर रही है। हैरानी की बात यह है कि स्मार्ट सिटी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही सीसीटीवी कैमरा में कैद होने का डर। ये लोग बड़ी ही आसानी से चोरी की वारदातों को अंजाम देकर रफू चक्कर हो रहे हैं। कई मामलों में इन चोरों की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इक्का दुक्का चोर को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन आए दिन चोरी की इन घटनाओं के बाद अब चंडीगढ़ वासी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।